पीएम मोदी की छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा आज हुई और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। शामिल होने के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हाईकोर्ट ने धामी सरकार से मांगा जवाब। कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी करने को लेकर पूछा सवाल, आज सरकार देगी जवाब। उत्तराखंड वासियों को लगा जोर का झटका। पहाड़ों में आज से 2.68% महंगी हुई बिजली और नया टैरिफ हुआ जारी। सिलेंडरों पर पहनाई माला, बजवाई घंटियां। प्रदेश भर में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, भाजपा सरकार का पुतला फूंका। केदारनाथ के लिए 4 अप्रैल से शुरू होगी हेली सेवा की बुकिंग। प्रशासन ने जारी की रेट लिस्ट और इस बार भी नहीं बढ़ेगा किराया। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार हुई बेहद धीमी। प्रदेश में तीसरी लहर के बाद एक दिन में सबसे कम संक्रमण के मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा और सीएम 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचेंगे और सीएम चंपावत में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अहम खबर आपको बता रहे हैं और एनएचपीसी के गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम चंपावत में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो देहरादून से फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनएचपीसी के गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। देहरादून से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा देहरादून से, बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत पहुंचेंगे सीएम धामी। तो चंपावत पहुंचेंगे सीएम धामी, फिलहाल ये बड़ी जानकारी, और सीएम चंपावत में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो चंपावत में जनसभा को भी संबोधित करेंगे धामी और एनएचपीसी के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा है देहरादून से, अहम खबर। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत पहुंचेंगे, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे नवोदय विद्यालय। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रतिभाग किया है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर वर्चुअल माध्यम से नवोदय विद्यालय पहुंचे हैं सीएम धामी और नवोदय विद्यालय में पहुंचकर उन्होंने वर्चुअली इस कार्यक्रम को देखा है और ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से स्कूली बच्चों से संवाद किया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो इस वक्त की अहम खबर, सीएम धामी पहुंचे नवोदय विद्यालय। सीएम धामी नवोदय विद्यालय पहुंचे हैं, फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देहरादून से खबर, सीएम धामी नवोदय विद्यालय पहुंचे, इस वक्त की अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया है पुष्कर सिंह धामी ने और वर्चुअल माध्यम से स्कूली बच्चों से किया संवाद। तो वर्चुअल माध्यम से स्कूली बच्चों से संवाद किया पुष्कर सिंह धामी ने और सीएम धामी नवोदय विद्यालय पहुंचे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे नवोदय विद्यालय देहरादून से, अहम खबर आपको बता दें, नवोदय विद्यालय पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है पुष्कर सिंह धामी ने। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कांग्रेस विधायक व समर्थकों के साथ हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस प्रशासन व भाजपा के पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप मढ़े हैं। और वहीं ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत का कहना है कि जब से भाजपा के पूर्व विधायक को हाथ का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस को जनता ने जताया, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाजायज ही परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्यामपुर क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता का घर भी तोड़ दिया गया।
करना है और बेवजह के नॉनसेंस में। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर अवैध खनन को लेकर ग्रामीण वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर लगातार हो रहे खनन से ग्रामवासियों को होने वाली परेशानी से अवगत कराया है। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मजबूर होकर हमें आना पड़ा है और जिसके चलते एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले लेखपाल को और स्थानीय थाने की चेतक पुलिस को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद आज तक खनन करने वाले माफिया बेखौफ खनन कर रहे हैं और जिससे ग्रामवासियों को कई दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ भी इलीगल माइनिंग की कोई शिकायत आ रहा है उसमें प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए टीमें जारी चेक की गई है और जिसको डायरेक्शन दिया गया है। और ये नज़दीक में इनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर और बुग्गी इत्यादि से जो खनन करने का इशू उठाया गया है, अभी दो दिन पहले वहाँ दो डंपर भी सेक दिए गए थे, इसको प्रॉपरली देखा जाएगा। और ये क्लियर मैसेज है कि कहीं भी इलीगल माइनिंग नहीं होने दिया जाएगा, और अगर कहीं बुगी से हो रहा है या अन्य ट्रैक्टर से हो रहा है तो उसको भी प्राथमिकता से। ये अवैध खनन के विषय में आए एटीएम साहब को देने के लिए ज्ञापन, और इसमें सलीमपुर में एक 962 नंबर था जिसमें मैंने पटवारी को स्वयं बुलाया था, वहाँ पे वो बगैर परमिशन के उठ गया पूरा खेत 10-10.5 बीघा का है। इतनी मिली भगत वहाँ पर चल रही है, मैंने इसे वायरल भी किया था फेसबुक पर, लेकिन किसी ने कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर सुबह तड़के 4 बजे सिल्बटन होटल के पास में जंगल में भीषण आग लग गई और सड़क में खड़े दो वाहन जलकर खाक हो गए। और वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सर आग कैसे लगे पता ही नहीं हुआ सर, हम तो सुबह 4 बजे याद हो गया आग लग के करके, बम की आवाज आ रही थी क्या क्या हो गया करके, बाहर आया तब आग जल गई थी। अच्छा, फिर हम बच गए, हम दूर दूर भागा, इसे पानी हमारे साथ में कुछ साधन नहीं थे पानी डालने का, और वहाँ से टॉयलेट बाथरूम से हमारा भरो हुआ पानी जितना था वो डाल दिया, हुआ ही नहीं, बस लास्ट में वो फायर वाला आ गया तब आग बंद करिए। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आगामी 3 मई को खुलने जा रही विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को काम तेजी से शुरू कर दिया है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसके लिए राजमार्ग विभाग व नगर पालिका बड़कोट ने यात्रा से जुड़ी व्यवस्था के 4 चांद करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश पंत का कहना है कि यात्रा सीजन खुलने से पहले सड़क पर पड़ा मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और जिसे समय से पूर्ण कर दिया जाएगा। देखिए यात्रा खुलने में अभी मात्र 1 महीने का समय बचा है और अभी भी शासन प्रशासन ये एनएच में जगह जगह मलवा की ढांगे लगी हुई है, अभी भी हरकत में नहीं आ रहा है, जबकि यात्रा के लिए बहुत कम समय अवधि बची है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि समय रहते हुए ये सड़कों को दुरुस्त कर दें और जगह जगह से मलवा की ढांगे जो लगी हुई है इसको जो है सफाई तुरंत करवा दें, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। 4 धाम यात्रा व्यवस्था के लिए हम सफाई अभियान चला रहे हैं, सौभाग्य है हमारा क्योंकि 2 साल हम लोगों ने जो झेला है, मैं ये चाहती हूँ कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार यात्रा सीजन अच्छा सा चले, क्योंकि हमारी जो ये यमुना घाटी है यहाँ के लोग सिर्फ इस यात्रा सीजन पे निर्भर रहते हैं, जब यात्रा चलती है तो यहाँ की आर्थिकी मजबूत होती है, और इसके लिए मैं प्रत्येक जनमानस से और विशेष करके नगर पालिका की समस्त जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि देश विदेश से जो यात्री यहाँ आएंगे एक अच्छा मैसेज आएगा। और सरदार भगत सिंह राजकीय स्नकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर की बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. पालेवाल ने इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं को बौद्धिक संपदा अधिकार की जानकारी एवं कार्य विधि से अवगत करवाया है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि और वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर हरविंदर सिंह चावला, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, और दूसरे वक्ता डॉक्टर हिमांशु गोयल साइंटिस्ट बी पेटेंट सूचना केंद्र यूकोस्ट देहरादून
देहरादून रहे और इस कार्यशाला में डॉक्टर शलभ गुप्ता, कमल बोरा, डॉक्टर भरत पांडे और डॉक्टर शाहिद समी सिद्दकी, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के सदस्य एवं डॉक्टर पूनम रोटेला, डॉक्टर बीपी सिन्हा, डॉक्टर श्रुति अग्रवाल ने भी संबोधित किया है। हमारे महाविद्यालय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक नोडल सेंटर हमने गत वर्ष स्थापित किया था। इसके अंदर हम विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में, इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में और भौगोलिक जो सूचकांक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए जानकारी देते हैं क्योंकि अब जमाना जो है नॉलेज इकोनॉमी का है। देखिए कि आजकल जो बौद्धिक संपदा अधिकार के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि लोगों को जागरूकता करना कि आपके क्या मौलिक अधिकार हैं। चीज है जैसे इन्वेंट करते हो कोई आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे किस जगह पे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप हमारे रिकॉर्डिंग, ये भी एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करने, कोई उसको और लेके ना जा सके। हमारे पेपर्स हैं, हमारी बुक्स हैं, अब नाम है, जैसे आपका ये है न्यूज़ चैनल है, अब ये भी न्यूज़ चैनल भी, ये भी एक प्रोटेक्टेड वर्ड है, ये ट्रेडमार्क के ऊपर आता है। अब कंटेंट जो होंगे वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, वो कॉपीराइट के थ्रू। और चमोली जिले के नंदासैण में ग्रामीणों की मांग आखिरकार पूरी हुई है। सालों से यहां के निवासी बैंक संबंधित काम के लिए 20 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और कई बार इंटरनेट के बंद होने के चलते उनको बैरंगी लौटना पड़ता था। स्थानीय ग्रामीण लगातार इस क्षेत्र में बैंक की मांग कर रहे थे। तत्कालीन सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने यहाँ बैंक की घोषणा की थी और जो उनको पूरी की उसके जिसके लिए स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने उनको धन्यवाद भी दिया है। नंदासैण में जिला सहकारी बैंक और चमोली की नई शाखा का शुभारंभ नंदासैण में नवनिर्मित विधायक करण प्रयाग अनिल नौटियाल के कर कमलों से संपन्न हुआ और इस मौके पर जिला रुद्रप्रयाग, चमोली जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य के साथ ही तमाम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। नंदासैण में एक जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाए, ये पिछले वर्ष ही इसकी सेंशन मिल गई थी लेकिन चुनाव के कारण हम इसको खोल नहीं पाए थे। आज सौभाग्य से अनिल नौटियाल जी यहाँ हमारे विधायक निर्वाचित होकर आए और उनका क्षेत्र भ्रमण भी रहा और उनके कर कमलों से हमने आज इस क्षेत्र में नंदासैण में जिला सहकारी बैंक की शाखा का कदम बढ़ाया। मैं आपके माध्यम से धन सिंह रावत जी का जो सहकारिता मंत्री है उनका भी आभार देना चाहूँगा, उनके सहयोग किए, उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर बैंक का हम प्रारंभ कर पाए हैं, बैंक की शुरुआत कर पाए हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठाएगी और जनता को लाभ भी। और अगली खबर देहरादून से है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है और वहीं बैठक में दिए गए खास दिशा निर्देश सुविधाजनक हों, चार धाम यात्रा पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और साथ ही देश विदेश में देवभूमि से जाए एक अच्छा संदेश, अतिथि देवो भव यात्रा में टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग किया जाए, साथ ही यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और अगली खबर देहरादून से है जहां पर झारखंड के विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब हम सब विधायकों को पेंशन मिल सकती है तो आखिर कर्मचारियों को क्यों पुरानी पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि साल 2005 के बाद जो भी सरकारी सेवा में कर्मचारी आए उन्हें पेंशन से वंचित होना पड़ा। लगातार देश भर में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। कर्मचारी होता है, कर्मचारी दिन रात काम करता है, उसके पास जब रिटायरमेंट के बाद एक कुछ मिलता है हाथ में तो वो उसकी पेंशन होती है जो उसकी पूरे जीवन भर की मेहनत की कमाई होती है। अगर आपको पुरानी
और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मोहल्ला क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं से पहले शिक्षा व्यवस्था का पूरा उन्होंने जायजा लिया है और यहां पर मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ में मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। तो सीएम केजरीवाल के साथ में मनीष सिसोदिया भी मौजूद और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन नजर आ रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे एम के स्टालिन, साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं, यहां पर पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो सीएम केजरीवाल के साथ में आप देख पा रहे हैं यहां पर एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और मोहल्ला क्लिनिक फिलहाल पहुंचे हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से पहले दिल्ली के स्कूलों की भी तस्वीरें देखी थी एम के स्टालिन ने और अब मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे सीएम केजरीवाल, साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल, देश की पहचान, न्याय योजनाओं से खुशहाल हो रहा किसान। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 31 मार्च को राज्य के लाखों किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को महत्वपूर्ण सौगात दे रही है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 31 मार्च को 20,58,000 किसानों को 1,029,31,00,000 की राशि का अंतरण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने विगत 2 वर्षों में किसान परिवारों के खाते में 11,180,97,00,000 रुपए की राशि जमा की है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योजना लाए से हमारे किसान मतलब बहुत फायदा हो। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को 13,62,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर इस वर्ष गोधन न्याय योजना के तहत 2,11,000 पशुपालकों को 226,18,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।
तो हमन हा गौठान मिले जाथन और गोबर ला 2 रुपए किलो में बेचथन जेकर से मोला 40,000 मिली से। एक लिए मैं सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,402 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71,38,592 रुपए की द्वितीय किश्त की राशि का अंतरण किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10,91,00,000 रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जा रहा है। मर भूपेश भी हरंग की योजना निकाली से जो अपन युवा साथी किसान भाई मन ला अच्छा आमदनी मुनाफा मिले है जेकर से और भूपेश भी अलग गड़ा गड़ा बधाई। भूपेश सरकार की न्याय योजनाओं के छत्तीसगढ़ मॉडल के मूल में ये दृढ़ निश्चय है कि किसानों भूमिहीन मजदूरों और गोबर संग्राहकों की जेब में नकद राशि जाए। सरकार बनने के बाद से अब तक हमने 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे इन सभी के हाथों में दी है। यही छत्तीसगढ़ का सफल मॉडल है। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर प्रधानों के साथ में वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ माननीय सांसद भी जुड़े हैं, माननीय विधायकगण भी जुड़े हैं, हमारे मंत्रीगण जुड़े होंगे। मेरा उन सबसे आग्रह होगा अगले 4-5 दिन का समय हम अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हैं इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए पूरी रणनीति बना करके और विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत का हम सबके पास समर्थन हो इसके लिए उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से उस प्रकार की रणनीति स्थानीय स्तर पर पार्टी के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत हम कार्य करें और जितने भी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि हैं माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के माननीय सदस्य, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, महापौर, पार्षद, ये सभी ग्राम प्रधान, ये सभी लोग मिलकर के फिर से भारी बहुमत के साथ अभी आपने 10 मार्च को जो परिणाम दिया है इस परिणाम ने एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के डंके को मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित करने का काम किया है और हम एक बार फिर से इस बात को साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश के विकास के विजन को लेकर के आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ही इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। और इससे मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि 9 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं और 9 अप्रैल के पहले अपनी पूरी कार्य योजना बना करके हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते इसको मजबूती के साथ लागू करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए और इसके लिए मेरी अपील होगी आप सभी से। आप सब जानते हैं कि 75 में से 67 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, 825 विकास खंडों में से 600 से अधिक विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी। और अगली खबर नैनीताल से है जहां पर भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल के डीएसए मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत डीएसए मैदान पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदेश भर से आई हस्तशिल्पियों से जानकारी ली है। प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात कमिश्नर ने कहा कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदर्शनी लगाकर बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे लगा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का है और इसमें अलग अलग तरह के आर्ट वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट वर्क देखने को मिलेंगे जिसमें कपड़ों के भी काम है, वुडन वर्क भी है, कुछ इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी काम है जो कि बहुत अच्छी एक पहल है जिसमें अलग अलग जगह से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें एक और इनकी सेल तो खैर होगी ही और पब्लिक को भी इस तरह से जो हमारी बहुत अच्छी हेरिटेज हमारे कंट्री की है, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज है उसके बारे में जानकारी मिल रही है और इस बात की भी आवश्यकता है कि
आगे जाके आपकी डिजिटल मार्केटिंग भी हो, तो ऐसा मैंने आपसे कहा है कि इसके लिए हम प्रयास करें। मीडिया के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छा कवरेज मिल रहा है, तो उससे भी डिमांड जनरेट होगी और आने वाले वर्षों में हम इस तरह की प्रदर्शनियाँ और लगाते रहनी चाहिए। तो बहुत रिच इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी तांबे की इंडस्ट्री हो, हमारी रिंगाल की इंडस्ट्री है, ऊन का बहुत अच्छा काम है, धन का बहुत अच्छा काम है, और इसके लिए आवश्यकता यही है कि इसको थोड़ा बड़ा मार्केट मिले। अभी जो होता है छिटपुट पॉकेट्स में होता है, जिससे कि बहुत बल्क सेल्स हमको नहीं मिल पाती। खबर पौड़ी से, जहां पर जनपद जिले के शोभटाखाल विधानसभा के सतपुली और पाटी सैंड में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है और जिससे घबराए आउटसोर्स कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो राज्यभर में कोविड के समय लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कर्मियों का कहना है कि कोविड काल में उन्हें सरकार ने जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में नौकरी पर रखा गया। कर्मियों ने कोविड की परवाह न करते हुए पूरे मन से काम किया। सबसे पहले बात तो हमें सन 2020 में यहाँ पे कोविड के दौरान रखा गया था, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे कोविड के दौरान जब हमें रखा गया था, तो यहाँ पे जब कोविड के दौरान यहाँ पे कोई भी मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। उस टाइम हमने मतलब देश की सेवा की यहाँ पे और जनता की सेवा की यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं था उस टाइम, ठीक है। हमने कहा कि चलो हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बट आज टाइम ऐसा आ चुका है कि हमें निकाल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हारी 31 मार्च तक तुम्हारी सेवा, उसके बाद तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप ही बताइए कि मतलब हमें इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे टाइम पर सेवा दे रखी है जब कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं कर रहा था हमें सपोर्ट, ठीक है। हमें सरकार से बस यही निवेदन है कि हमें जो हमारी जो सेवा है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, और जिस उसमें हम काम कर रहे थे हमें वैसे यहाँ पे काम करने दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।